केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को यूपी के अलीगढ़ में पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, वहां खड़े वाहक को भी फूंक दिया। उत्तर प्रदेश के डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि आज जुमे की नमाज के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ कुछ युवाओं के द्वारा आक्रोश दिखाया गया है। 17 जगहों पर विरोध प्रदर्शन की सूचना है। बलिया और अलीगढ़ में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, जिसे पुलिस द्वारा नियंत्रित कर दिया गया है। एडीजी ने कहा कि कुछ संगठनों के द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। एडीजी ने यह भी कहा कि मथुरा में कुछ जगहों पर धरने प्रदर्शन चल रहा है। सभी छात्रों को भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाया जा रहा है। प्रशांत कुमार ने कहा कि हमें यह भी सूचना मिली है कि कुछ संगठनों के द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। बलिया में रेलवे स्टेशन पर आगजनी तोड़फोड़। केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। यूपी के बलिया में शुक्रवार की सुबह रेलवे स्टेशन पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। बलिया के डीएम सौम्य अग्रवाल के मुताबिक अब तक 100 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। मथुरा और आगरा में भी जबरदस्त उपद्रव हुआ है। वाराणसी में भी उपद्रवियों ने हंगामा किया है। यहां सरकारी बस स्टेशन पर भीड़ अचानक घुसी और बसों पर हमला बोल दिया। कई बसों में तोड़फोड़ भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।